प्रदर्शनी के बाद अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि किसी कोई भी चेहरा इंसान के दिल का आईना होता है। जब भी आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो काफी हद तक उसके चेहरे को देखकर आप उसके व्यक्तित्व के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सुविधा, ये तो बात हुई जब उस व्यक्ति को देखकर उसके व्यक्तित्व को पहचाना जाए। कुछ ऐसी भी कलाएं होती हैं, मैं आपको बताऊं, जो बगैर व्यक्ति से मिले उसके व्यक्तित्व को जाना जा सकता है, जिनके सहारे। और ऐसी ही एक कला है हैंड राइटिंग का एनालिसिस करना। क्या बात है, बहुत ही हैरानगी की बात है। आज हम अपने स्टूडियो में आपको मिलवा रहे हैं जाने माने ग्राफोलॉजिस्ट से, मिस्टर भूपेश सिंह धुंदेले। तो आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भूपेश जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये ग्राफोलॉजी क्या होती है। ग्राफोलॉजी एक सब्जेक्ट है, कोई भी ग्राफ, चाहे वो डूडल्स हो, चाहे रेखा हो, चाहे आपके कंपनी के लोगो हो, ये कोई भी ग्राफ आपने लिखा वो ग्राफोलॉजी में आ जाता है। जी, जिस प्रकार से कि हम ECG दिल का हाल बताता है, सेंसेक्स बाजार का हाल बताता है, इसी प्रकार आपकी लिखावट आपका सोच बताती है आपके बारे में, आपके परफॉर्मेंस, आपके पैरामीटर्स बताती है। एनी रिटन कम्युनिकेशन इज नथिंग बट ग्राफोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर थॉट प्रोसेस। ओके। एंड थॉट प्रोसेस इज मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट पैटर्न। Okay. And your thought pattern is nothing but your destiny. Mm-hmm. Your thought process starts from your left side of brain, which is unconscious, which is having a gel type of shape. Here it starts. सभी को एक सी फीलिंग होती है, चार लोग बैठे हुए हैं, सभी को एक सी फीलिंग हुई। बट यह जब प्रोसेस स्टार्ट होकर जब राइट ब्रेन में जाती है तो सब अपने अपने भाषा में बोलते हैं। यहाँ लॉजिक लैंग्वेज प्रेजेंटेशन मिलता है, कोई चाइनीज बोलेगा, कोई हिंदी बोलेगा, कोई अंग्रेजी बोलेगा, कोई संस्कृत बोलेगा, लॉजिक लैंग्वेज प्रेजेंटेशन यहाँ मिलता है। देन उसके बाद कान के पीछे यहाँ एक सेरेब्रम नाप का एक हिस्सा होता है, यहाँ पे वो प्रोसेस आती है, यहाँ पे आपकी बॉडी उस प्रोसेस में जुड़ती है और आपकी बॉडी रोबोट जैसे काम करती है। और इन केस ऑफ हैंड राइटिंग इट इज अ प्लॉटर ऑन पेपर, इन केस ऑफ एनी अदर एक्शन इट इज अ रोबोट। जैसे हम चाय पी रहे हैं, चाय को उठाना है, कप को पकड़ना है, जब तक कि चाय का गिलास आपके होंठ के पास नहीं आ रहा वहाँ तब तक उसको हाथ को ये निर्देश मिलता रहेगा कि यह जाता जाए। उसके बाद धीरे से लगाना है जिससे कि चाय गिरे ना, स्लिप ना हो, गर्म हो तो धीरे से लगा के जल्दी से हटाना, धीरे धीरे घूट पीना और जितना फ्लो बन जाए उसके बाद फिर रोक देना है। तो ये एरर्स जनरेट होती हैं और ये एरर्स फीडबैक होती है, ये हमारा सिस्टम जो है इट इज अ क्लोज लूप सिस्टम। हमारी बॉडी, हमारा शरीर बहुत कीमती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते आप कितने बहुमूल्य शरीर के, कितने कॉम्प्लेक्स सिस्टम के मालिक हैं। तो यहाँ मुझे ये बताएं कि आखिर ग्राफोलॉजी और हैंडराइटिंग में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है? ग्राफोलॉजी में जैसे आपकी जो हैंडराइटिंग है जैसे, और आपके सिग्नेचर्स और आपके लोगो, ये सभी अलग अलग चीज बताते हैं। जैसे हैंडराइटिंग आपके व्यक्तित्व के बारे में बताती है, आपके खुद के बारे में बताती है। सिग्नेचर आपकी अथॉरिटी के बारे में बताता है और आप कैसे अपने आप को जनता के सामने, पब्लिक के सामने कैसे पेश करते हैं, वो सिग्नेचर्स के बारे में बताता है। और जैसे लोगोस होते हैं, कंपनी लोगोस हैं, इवन आपके धर्मों में जो विभिन्न चिन्ह हैं वे ग्रुप साइकोलॉजी रहता है, फिर मॉब साइकोलॉजी कहलाती है। तो यदि आपको उसमें क्रॉस बना दिया जाए, मतलब आपको पता लग जाएगा ये जो ग्रुप है ये सेक्रीफाइसल ग्रुप है, ओम है, जिसमें राउंडनेस को प्रधानता दी गई है। राउंडनेस जो है आनंद का प्रतीक है, हमारे धर्म में इनके, हमारे लोगों के आचार्य मुनि के नाम के आगे भी आनंद लगा हुआ है। तो ये एक ग्रुप को बताता है, ये ग्रुप जो आनंद, जिसको आनंद मिलता है उसके। इवन आप जैसे कोई देश के झंडे देखें, जापान का झंडा देखें, सफेद झंडा शांति का प्रतीक, बट उसमें एक लाल गोला है, मतलब उसमें एक आग धधक रही है आज भी देश के प्रति। और देखिए आज प्रगति कर रहे हैं। हमारे तिरंगा झंडा भी आप देखें, इसमें जो तीन लाइन है ये डिफरेंट कलर, बेसिक कलर्स को बता रहा है, बट इन तीनों को एक चीज जुड़ी हुई है, ये जो समय चक्र है, काल चक्र ये जुड़ा हुआ है और हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा, सबसे बड़ा निशान है जी, बहुत बड़ी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, किसी भी व्यक्ति के हैंडराइटिंग को देखकर आप उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या इसकी मदद हम ले सकते हैं अगर किसी बच्चे ने जो अभी तक हैंडराइटिंग सीखी नहीं है, जिसकी हैंडराइटिंग डेवलप नहीं हुई, वो भी सीखने जा रहा है, तो क्या हम उसके हैंडराइटिंग को थोड़ा बहुत आकार देके क्या उसके व्यक्तित्व को हम आकार दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आपने देखा जितने भी इंट्रोवर्ट बंदे हैं वो छोटा लिखते हैं और जितने एक्स्ट्रोवर्ट बंदे हैं बड़ा लिखते हैं।
मैं आपको एक सैंपल है, आप दिखाना पसंद करेंगे बच्चे लोग का, बच्चे के कैंडिडेट का सैंपल जी? ये गोविंदा का, गोविंदा ये आमिर खान का है, आमिर खान का। हाँ जी, आमिर खान का। इनके सिग्नेचर को देखकर आप इनके व्यक्तित्व के बारे में क्या बता सकते हैं? हाँ, ये देखिए, ए जो है बहुत बड़ा लिखा हुआ और इसका स्ट्रोक ज्यादा है, वाइटल पावर है इनमें, देखिए, और स्लांट में है इनमें, स्लांट मतलब इमोशनल क्वेश्चन है, राइट की तरफ है। हाँ। तो ये जो बताता है, ये अपने आप को बहुत जोरदार तरीके से, और इनमें एनर्जी लेवल बहुत हाई है, इमोशनल क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और डॉट्स बड़े लगे हुए हैं, मतलब इनके डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग है, जो भी डिसीजन लेते हैं उस पर कमिट करते हैं। देन उनके जो अंडर स्कोर किया है, दो तरफ किया, मतलब इनके ने अपनी जिंदगी में जो किया है अपने दम पे किया है और अच्छी ऊंचाई पर पहुंचे, और जो दो डॉट है ये विलिंग टू गेट डायरेक्टेड, ये अमिताभ बच्चन जी भी लगाते हैं। आपका मतलब है कि जो दो लाइंस हैं ये उनकी डबल अचीवमेंट दिखा रही है? हाँ, लेवल राइज बता रही है, मगर इसमें ये बहुत सारे कुछ डिसीजन है, कुछ गलत लिखते हैं, बट उनसे उबार पा लेते हैं, अल्टीमेटली आगे चले जाते हैं। उनके नीचे दो डॉट्स हैं, उनकी क्या मार्क? ये ओवर विजिलेंट होता है, अगर खराब हैंड राइटिंग है तो इसमें ओवर विजिलेंट कराता है, आदमी बहुत ज्यादा शकी होता है, मगर ये जो अच्छी हैंड राइटिंग अगर होता है तो उसका मतलब होता है विलिंग टू गेट डायरेक्टेड, मतलब जो काम दिया जाए, आप जो भी डायरेक्टर कहता है उसके हिसाब से ही वो परफॉर्म करें। और ये जो पैरामीटर्स है, ये एक्टर्स लोग के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, और जितने भी अच्छे अच्छे एक्टर्स मिलेंगे उनमें ये चीजें आपको मिलेंगी जी। अभी ये रतन टाटा का सिग्नेचर दिखा रहे हैं, इनके बारे में बताइए। हाँ जी, देखिए, जो रतन टाटा जी का जो टी है, ये क्रैश जो स्टेम से ऊपर किया हुआ है जी। तो ये जो इनके लाइफ गोल्स हैं, ये बियॉन्ड बहुत अनरीचेबल गोल्स है, बहुत हाई, और चर्च ओरिएंटेशन जो अपर जोन में चला गया, अपर जोन मतलब चर्च ओरिएंटेशन वगैरह, मानवता की भलाई और उसके लिए, तो इनने बहुत बड़े ग्रुप को डील करते हैं, और आपको मालूम ये और अपने बहुत सिंपलिस्टिक है, इनकी पहचान है, देखिए इनकी जिनकी पहचान है उसके सिग्नेचर पहचान में आते हैं। और बहुत सारे लोग आपने बाबू लोग अपने रफ्तारों में देखा होगा घुग्गी मारते हैं, जिनकी पहचान नहीं है वो घुग्गी मारेगा जी, और जिसकी पूरी पहचान है वो पूरा सिग्नेचर करेगा, पूरा सिग्नेचर। अच्छा, एक बात मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे भी, अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि दूसरों की हैंडराइटिंग को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो क्या जब वो किसी की हैंडराइटिंग कॉपी करते हैं तो क्या हम उनके व्यक्तित्व को ठीक तरह से परख सकते हैं? सही पहचान हो सकती है उनके व्यक्तित्व की जब उन्होंने किसी के सिग्नेचर या हैंडराइटिंग कॉपी की है? हाँ, देखिए, ये हैंडराइटिंग में फिक्स स्टेट और अनफिक्स स्टेट बोला जाता है, 60-40 का रेशियो है। जो अनफिक्स स्टेट है वो आपका मूड है, और जो लर्निंग कर्व में इसी जो भी आप सीखते हैं ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनता जाता है। कुछ चीजें तो फिक्स होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, फिक्स स्टेट है, और कुछ अनफिक्स स्टेट है जिसपे हम जो हमारी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, हम जो सीखते हैं, यह हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनता है, और यह बहुत बड़ा रोल आपको पैदा करता है आपकी जिंदगी में, आपके सफलता को पाने के लिए। तो जो बच्चे लोग, जो आपने देखा हो, ये बच्चे लोग के जो सिग्नेचर्स होते हैं, बच्चे टीचर्स की स्टाइल, बोलने का तरीका, लिखने का स्टाइल, और इनडायरेक्टली वो उस वो जो व्यक्तित्व में जो गुण है उस प्रकार के, वो उसको भी ऑब्जर्व करते हैं, उसको भी कॉपी कर लेते हैं। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम बहुत सारी अच्छी खराब चीजें सीखते रहते हैं, और वो हैंडराइटिंग में इन टोटलिटी में आ जाती है। हैंडराइटिंग बेसिकली आप देखा जाए तो आपकी जो फिजिकल और मेंटल स्टेट, ये दोनों का एक, जब तक ये संपूर्ण दर्पण है, आप देखेंगे यदि आपको सर्दी हो गई होगी तो आप लिख नहीं सकते, कोई बंदा मेंटल रिटार्डेड है वो ठीक से लिख नहीं सकता। तो आप अगर नॉर्मल है तो हैंडराइटिंग नॉर्मल है, अगर आप एबनॉर्मल है तो हैंडराइटिंग आपकी एबनॉर्मल है, आप लिख नहीं सकते, उसमें हैंडराइटिंग में वेरिएशन, हैंडराइटिंग में ये सभी चीज पता लग जाएगी। हमारे साथ एक और भी स्लाइड है, आइए देखें इसको। ये बच्चे की हैंडराइटिंग। हाँ जी, ये देखिए, इस बच्चे की हैंडराइटिंग है, इसके साथ मैंने जुड़ाव किया था, इसमें ये आप जो है चौथी पांचवी लाइन जो जा रही है, इसमें सातवें महीने पे मैंने इसको कुछ हैंडराइटिंग टिप्स दिए थे इस बच्चे को, और उसके बाद आप एक एक लाइन देखते जाएं, बिल्कुल आखिरी लाइन तक जाएंगे, यदि आप इसको रोल करें नीचे तक जी, आप देखते जाएंगे इसमें इंप्रूवमेंट होते जा रहा है, रेगुलर इंप्रूवमेंट होता, और आखिरी लाइन में आप देखेंगे एक कॉलेज लेवल की मेच्योरिटी इनमें आ गई है। और ये आप फिर नीचे करें, ये देखिए 3 महीने के अंदर, 7वें महीने से लेकर 10वें महीने के अंदर, ये 3 महीने में यह जो व्यक्ति था इसने अपनी परफॉर्मेंस लेवल एक फ्रेंडली मैनर में, और इसका रिदम देखिए, हर चीज में इंप्रूवमेंट हुआ। तो यह चीज अगर आप बच्चे लोग को स्कूलों में बहुत जरूरी है, अगर ये
टीचर्स को बताना चाहिए, बच्चों को नहीं, क्योंकि बच्चों को बताने में बहुत बड़ा ग्रुप हो जाएगा। अगर आप टीचर्स को बताएंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ियां बहुत अच्छे तरीके से अपने व्यक्तित्व को बना पाएंगी और हमारे देश के योगदान में बहुत बड़ा योगदान देंगे। मेरा पहला सवाल यही था कि जिस तरह से आपने कहा कि इसके व्यक्तित्व को आपने परिवर्तित किया, हैंडराइटिंग को परिवर्तित किया, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि बच्चे की हैंडराइटिंग को अगर शुरुआत में ही अपने हिसाब से ठीक किया जाए तो क्या उसका व्यक्तित्व भी आगे चल के वही होगा जो जैसा हैंडराइटिंग कहती है? आपने बहुत अच्छी बात बोली, हिटलर मर गया, मतलब हिटलर ने कोई इस ग्राफोलॉजी के बारे में जानकारी थी, उनने एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट डेवलप करी थी और वो स्क्रिप्ट आज भी जो जर्मन में कई लोग उसको फॉलो करते हैं और वो एग्जैक्टली सेम बिहेव करते हैं नाजी जैसे और उससे लोग परेशान हैं। तो ये आप पे इतना ज्यादा प्रभाव चलती है। आप देखें उर्दू जो भाषा है वो सीधी है, स्ट्रेट लाइन है, टिकी टिकी, उसके अगेंस्ट में आप देखें साउथ इंडियन लैंग्वेज गोल गोल है, जो तीखापन है, मतलब हार्ड लाइन है, उसमें तड़प वाली चीज है। गजल भी देखिए दिल से निकली हुआ है, जबकि हमारी जो कविता है उसमें आनंद है। तो ये जो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे आपने देखा दो बिंदु आप ले लें कोई, उसके बीच अगर आप एक ग्राफ बनाना चाहेंगे तो जिसमें मिनिमम एरिया कवर हो वह कुछ नहीं बनेगा सिवाय एक रेखा के। यदि इसमें आप मैक्सिमम एरिया कवर करें तो वह क्या बनेगा, एक गोलाकार बनेगा। आप हमारे ओम देखिए, इसमें सब गोला ही गोला है जी। आनंद है, हम आनंद की बात करते हैं, जबकि क्रॉस में स्ट्रेट लाइंस हैं, दो लाइन दी हुई है दोनों, और दोनों क्रॉस कर रही है, मतलब सेक्रीफाइस हो रहा है जी। तो ये मॉब साइकोलॉजी है, ये आप देखिए क्रिश्चियन उसमें सेक्रीफाइस मिशनरी इस पे प्रार्थना इस पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ आनंद में जोर दिया जाता है कि आप आनंद भगवान को आनंद से जोड़ते हैं, आनंद का दर्शन जी। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, मोटे तौर पर अगर देखा जाए हाँ जी, तो गोल हैंडराइटिंग होती है हाँ जी, लंबी हैंडराइटिंग होती है हाँ जी, कुछ लोग स्पेस नहीं छोड़ते हाँ जी, कुछ लोग काफी बड़ा बड़ा लिखते हैं, कोई छोटा छोटा लिखते हैं हाँ, इन सबको अलग अलग मोटे तौर पर कैसे, अगर कोई गोल लिखता है तो वो क्या हो हाँ, क्या पर्सनैलिटी है उसकी हाँ, कोई लंबा, ये अगर बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ जी बिल्कुल, जो छोटा लिखता है वो इंट्रोवर्ट होता है जी, वो किसी चीज से गहराई में जाना चाहता है, गहराई में आप जब छोटे होंगे तभी जा पाएंगे, पेनिट्रेट होंगे तभी पेनिट्रेट होगा, तो आपको सूक्ष्म दृष्टि करनी, तो सूक्ष्म दृष्टि मतलब सूक्ष्म लेटर्स छोटी जगह। एक्स्ट्रोवर्ट जो बंदे लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, एक्स्ट्रा पेन मूवमेंट रहेंगे, एक्स्ट्रा एरिया कवर करेंगे, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, लेटर साइज बड़ा हो जाएगा। तो जितने बड़े बड़े नेता होते हैं, पब्लिक डीलिंग वाले लोग रहते हैं, मैनेजमेंट के लोग जो बंदे हैं, जो वो हमेशा अगर वो उनकी हैंडराइटिंग छोटी है बड़े लिखे, और जो बंदा एक्सपर्टाइज में जाना चाहता है अगर बड़ा लिखता है थोड़ा सा छोटा लिख दे, देखिए उसका सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा। तो जो लोग जो लिखते हैं अगर उनके वर्ड्स के बीच में गैप ज्यादा हो या कम हो, क्या वो भी पर्सनालिटी के हाँ एस्पेक्ट हाँ जी, को दर्शाता हाँ जी, है? जो अगर वर्ड्स के बीच में गैप है मतलब वह बंदा अपने आप में अलग हो रहा है, और बिटवीन वर्ड्स और लाइंस अगर ज्यादा ज्यादा गैप मतलब वो अलूफ हो रहा है, वो समाज से दूर जा रहा है। अगर ये आपको इस टाइप की चीज आपको किसी की हैंडराइटिंग में दिखें तो आपको उसके पास जाएं, उसकी उसका जो अकेलापन है वो दूर करें, वो जिंदगी में वापस आएगा और वह सफल होगा, आपके लिए भी रहेगा उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा भूपेश जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई हमारी मूड वेरिएशंस होती हैं, हर समय मूड एक जैसा नहीं रहता हाँ जी, तो क्या ये भी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है? बिल्कुल बिल्कुल अफेक्ट करता है। किस तरह? देखिए मैंने जैसे बताया आपको 60-40 का रेशियो होता है, फिक्स रेट और अनफिक्स रेट, तो अनफिक्स रेट है वो मूड है आपका, और बट उसके बावजूद भी आप सपोज एक बंदा को आप शराब पिला दें, उनकी उसकी हैंडराइटिंग देखिए, उसकी हैंडराइटिंग की जो लेजिबिलिटी है वो खत्म होती जाएगी, फ्लूडिटी हो जाएगी, फ्लूडिंग हो जाएगी, अच्छी दबती जाएगी, खिसकती जाएगी, लंबी लंबी होती जाएगी। वही बंदा अगर वापस जब नशे से बाहर हो जाएगा तो फिर वापस वैसे ही आ जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट चेंज होगा, बट डेफिनेटली वो कुछ चीज छोड़ जाएगी वहां पे, एक असर छोड़ जाएगी, एक वो छोड़ जाएगी, और वह व्यक्ति के ऊपर है उसको किस दिशा में उसको लेता है उस टेस्ट को। सर कुछ लोग लेजिबल लिखते हैं काफी हाँ काफी साफ लिखते हैं हाँ, कुछ लोग काफी इलेजिबल लिखते हैं, काफी अस्पष्ट लिखते हैं हाँ जी, हाँ जी। तो उनसे क्या पता, उससे क्या पता चलता है? लेजिबल लोग रहते हैं वे ऐसे लोग धीर गंभीर होते हैं, सोच समझ के लिखते हैं, थोड़ा सा धीरे होते हैं। जो इलेजिबल लिखते हैं वो घसीटा जिसको बोला जाता है हम लोग, वो बहुत क्विक माइंड होते हैं, वे सॉल्यूशन में विश्वास करते हैं रादर देन उसमें डिटेलिंग में। तो अगर आपको डिटेलिंग जहां जहां करना है और जहाँ पे आपको क्वालिटी की जरूरत है, तो वो जो साफ लिखने वाले हैं उनको आप सेलेक्ट करें, और जहाँ आपको फास्टनेस की जरूरत है जैसे फॉर्मूला रेस ड्राइविंग है, जहाँ क्विक डिसीजन, जहाँ टाइम इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ ऐसे लोग करें। तो कोई गलत कुछ भी नहीं है इस प्रकृति में, सभी हाँ बहुत सारी वैरायटी है और बहुत सारी सिचुएशन है
ये आपको डिसाइड करना है कि आप यू कैन नॉट पुट स्क्वायर रॉड इन राउंड होल. आप इंट्रोवर्ट बंदे को मार्केटिंग में डाल देंगे फेल हो जाएगा, एक्स्ट्रोवर्ट बंदे को रिसर्च में डालेंगे तो फेल हो जाएगा, मगर दोनों को अगर रिलेट कर देंगे देखिए सफलता ही सफलता, विन विन सिचुएशन है. अच्छा कुशल सर शुरुआत बहुत अच्छी तरह से करते हैं, बहुत साफ साफ लिखते हैं. हाँ जी हाँ जी. और जब पेज के आखिर में तक उनका देखें आप, हाँ जी, उनका लास्ट का 50% बहुत पूरा वो सब मंगल हो जाता है. इसका मतलब है उसमें से अपना इंटरेस्ट खोते जा रहे हैं. दे आर नॉट वेरी इंटरेस्ट, वो खाली सोल्यूशन दे के स्क्रिबल करने लगते हैं. तो वो जो मैंने अभी बताया स्क्रिबल मतलब उसमें खाली सोल्यूशन पे अटके हैं, उसके डिटेलिंग पे उनका जोर नहीं है. कैसे भी क्या उस सोल्यूशन लेके उसको खत्म करने के दिमाग में सोच जो है वैसी डेवलप हो रही है. भूपेश जी यानी कि जो ग्राफोलॉजी का अगर आर्ट किसी को आ जाए तो वीकनेसेस असेस करने में तो बहुत ही आसानी हो जाती है एंड वी कैन ऑलवेज इम्प्रूव. अच्छा एक मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक बीमारी होती है डिसलेक्सिया, तो उसे इस हैंड राइटिंग के जरिए कैसे पहचाना जा सकता है और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? देखिए जो हैंड राइटिंग में डिसलेक्सिया मतलब स्लो मेंटल ऑर्डर होता है, तो आपके जो लेटर फॉर्मेशन के हैं ना वो स्लो होते जाएंगे या कई पर्टिकुलर जहाँ जिसमें अटैचमेंट होगा वो स्लो होगा. तो वो स्लोनेस को आप दूर करने के लिए ग्राफोथेरेपी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा जो सिस्टम हम जो है क्लोज लूप सिस्टम में काम करते हैं. जैसे फ्रिज है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तो ऑफ ऑन होता रहता है, एक सेंसर लगा हुआ है वो ऑन ऑफ करता है. जैसे मैंने चाय का एग्जाम्पल बताया था, आपका मुंह भर गया तो आपको हाथ को रोकना है, तो ये एरर जब गई और सिस्टम में गई और ये एरर जब जाती है तो आउटपुट कंट्रोल होता है. ठीक है, अगर आपकी सिस्टम में आपकी जो एरर जनरेट होगी, आपकी हैंडराइटिंग में जो खराबियां हैं वो जनरेट करके कोई आपको बताए और आपको समझाए, तो वो अगर आप सिस्टम में डालेंगे मतलब आप खुद उसको फिर वापस उसको समझते हुए लिखेंगे तो अपने आप अपनी लिखाई सुधर जाएगी. यही थेरेपी है. चलते चलते एक आखिर सवाल. हाँ जी. कि क्यों ऐसा कहते हैं, शायद आपसे जुड़ा हो ग्राफोलॉजी से, कि एक इंसान का सिग्नेचर दूसरे से नहीं मिलता? हाँ, इसका क्या कारण और क्या ये सच है? देखिए सिग्नेचर बिल्कुल सच है, दो जुड़वा के थंबप्रिंट भी मिलते हैं. बल्कि आप जो पगड़ी बांधते हैं सरदार जी लोग, देखिए हर एक की हाथ की पगड़ी, हर कुएं का पानी, इवन बंदरों के चेहरे की जो आकृति की रेखा है वो भी अलग अलग होती है. भगवान ने खुद एक यूनिक कोड दिया हुआ है, तो अलग अलग होगी ही होगी. और एवरीबडी इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड. और किसी भी बंदे को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं मेरे से खराब बंदा कोई है, ऐसा कुछ नहीं. हर एक भगवान ने नेचर ने सभी को कुछ ना कुछ खासियत दी हुई है, उस खासियत के साथ रहें. इसलिए मैंने जो एक मेरा खुद का एक सेंटेंस मैंने बोला, योर नेचर लाइज इन योर सिग्नेचर. एंड व्हाट इज सिग्नेचर? वेयर योर नेचर सिग्निफाइज, दैट इज योर सिग्नेचर. यू इफ यू लिव विथ नेचर थिंग्स विल मूव नेचुरली, यू विल बी सक्सेसफुल नेचुरली. ये नेचर गारंटी देती, मैं नहीं देता, ये आप भी दे सकते हैं किसी को. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी चीजें हमारे साथ शेयर की ग्राफोलॉजी के बारे में. उम्मीद है हमारे दर्शकों को काफी फायदा हुआ. थैंक यू सो मच. चलिए बढ़ते हैं अब आगे हैंड राइटिंग की बातें करने के बाद. अब वक्त हो गया है एक ऐसे स्तंभ का, एक ऐसे सेगमेंट का जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है. बिल्कुल सुविधा, हमारे साथ कई पुरानी आवाजें ऐसी हैं जो गुम हो चुकी हैं कहीं, पर उनकी उन आवाजों की पुकार अभी भी हमेशा सुनाई देती है.